please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत की वजह से वो चीन का कर्जदार हो गया है। लंदन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इससे उबरने के लिए उसने चीन से करीब 6,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अगर पाकिस्तान ये कर्ज नहीं लेता तो उसे मदद के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने जाना पड़ता और वहाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मिली आर्थिक मदद से जुड़ी पूरी जानकारी देनी पड़ती। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते और इसीलिए चीन से चुपचाप पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दे दिया। पालघर लोकसभा उपचुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखे हमले से नाराज शिवसेना अब BJP पर पलटवार करती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सीधे PM मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही देश में रहते हैं, बाकी समय विदेश की यात्रा पर रहते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बाहर से लोगों को लाकर प्रचार करवाना महंगा पड़ेगा। वसई में जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि BJP से जनता को सिर्फ झूठे वायदों के सिवाय कुछ नहीं मिला। इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना पर सीधा हमला किया था। देश बदल रहा है, ये खरं आहे, हे मोदींसाठी खरं आहे, कारण रोज उठल्यानंतर आज किधर आ गए अमेरिका, झोपले दुसऱ्याशी विमानात, किधर आ गए रशिया, किधर गए चायना, ते बरोबर आहे, रोज देश बदल रहा आहे, आज चायना, कल रशिया, कल अमेरिका, वैसा वैसा काय। मनीषा जी, इस बयान को कैसे देखते हैं? अब ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर की सीट हार चुके, अब वो उत्तर भारतीय वोटों की भीख मांगने के लिए पालघर में आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करते वक्त पैर में खड़ावा पहनते हैं, क्या यही उनका छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम है? अब वो शिवसेना को न सिखाए कि अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की सब बातें हमारे सामने मत कीजिए। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रेम नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त ये सब बातें होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली की ओर से दिए गए फिटनेस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि वो भी जल्द ही अपने फिटनेस का वीडियो शेयर करेंगे। ये फिटनेस चैलेंज खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरू किया था, जिन्होंने कोहली और दूसरी हस्तियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। राठौर ने इस मुहिम को हम फिट तो इंडिया फिट का नाम दिया है। विराट की चैलेंज का प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जवाब दिया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, विराट आपका चैलेंज मंजूर है, मैं भी जल्द ही अपनी फिटनेस का वीडियो जारी करूंगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी PM मोदी को ट्वीट किया और लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री, मुझे खुशी है कि आपने विराट कोहली का चैलेंज स्वीकार किया, एक चैलेंज मेरी तरफ से भी है, आप तेल की कीमतों में जल्द कटौती करें या फिर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगी, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड किया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, अभिनेता ऋतिक रोशन और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इसके जरिए चैलेंज दिया। इसके बाद साइना नेहवाल ने इस चैलेंज को सबसे पहले पूरा किया। साइना ने वेटलिफ्टिंग करते हुए अपना वीडियो शेयर किया। इसके बाद ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया जिसमें ऋतिक रोशन साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ ने भी अपने फिट रहने का फॉर्मूला ट्वीट किया। PV सिंधु ने भी कसरत करते हुए वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बेंगलुरु में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन किया है और शरद यादव के मुताबिक अब विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होकर BJP का सामना करना है। वहीं CPM नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि पूरे विपक्ष को एक साथ आना ही होगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता शरद यादव हैं। शरद यादव की मुख्य भूमिका होती है कि विपक्ष को एकजुट करें। शरद जी, कल भी आप शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थे, आप भी शामिल हुए, ये एकता प्रभावी होगी विपक्ष की? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए, कई लोग फेडरल फ्रंट की बात करते हैं। देखिए, कल का आयोजन जो था वो हर तरह के लोग बुलाए गए थे और लोकतंत्र पे जिस तरह से BJP की तरफ से हमला हुआ था उसमें जो साझा विरासत में, सेम कंपोजिट कल्चर में, अपोजिशन की एकता में जो
आपके राज्यसभा से लेकर के बाहर जो काम करते हो एक अलग बात है। कल तो जो है वो सभी तरह के लोग, जो लोग भी थे सबको बुलाया गया था वहाँ। वो एक तरह से जो है वो देश भर के लोगों ने जो हुआ था वहाँ लोकतंत्र के खिलाफ, यानी धक्का मार सरकार बनाना चाह रहे थे, वो कई बार बना चुके, गोवा में बना चुके, मणिपुर में बना चुके, इस तरह कई जगह धक्का मार सरकार बनाई उनने, तो सब लोग चिंतित थे, तो सबको आमंत्रित किया गया, वहाँ सब लोग पहुँचे थे। उसे एक तरह से पूरे देश की बेचैनी का गोलबंदी देख सकते हो। एकता की जो बात कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल बड़ी चुनौती है, उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। वो एकता जो है वो देश के लिए जरूरी है, देश के लोकतंत्र के जरूरी, जो लोकतंत्र को बचाने जरूरी है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे थे एक ही मकसद से कि बीजेपी का जो षड्यंत्र रहा है आज तक कि चुनाव हारने के बाद भी सरकार बना लेती है, वो काम जो उन्होंने किया गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में और बिहार में, वो कोशिशें जो कर रही थी उसको हराया गया और सरकार जो बनी है वो 56% से ज़्यादा लोगों की मत जो उन्होंने वोट डाला वो मत प्राप्त करके ये गठबंधन है जी। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ आपका आंकड़ा है और वहाँ उसका कोई संबंध ही नहीं है इसके साथ, उसका कोई संबंध नहीं। यहाँ पर हमारी लड़ाई जो है वो तो चलेगी, जनतंत्र की हत्या यहाँ पे हो रही है और वहाँ पर जनतंत्र को बचाने के लिए पहुँचते हैं। दिल्ली की सीमा से लगे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की इमारत में भयंकर आग लग गई। आग बुझाने के लिए दिल्ली और सोनीपत से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग की वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर पिछले साल हुई भगदड़ की सबक लेते हुए आरपीएफ और जीआरपी ने पहल की है। इस मॉनसून एल्फिंस्टन जैसी घटना ना हो, इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी ने कमर कस ली। मुंबई के कई स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान मॉक ड्रिल करते नजर आए। मॉक ड्रिल की शुरुआत कांदिवली स्टेशन से हुई। बारिश की वजह से भारी भीड़ के चलते होने वाली भगदड़ जैसे हालात को रोकने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले साल एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के ब्रिज पर भगदड़ मचने से 29 लोगों की मौत हो गई थी।